संजय पारीक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सट्टा बाजार और सर्वे लगभग लगभग ये बता रहे हैं कि 20 से 22 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत रही है, आपका आकलन वहां का क्या कह रहा है? क्या उन 20 से 22 सीटों में बीकानेर भी है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र आप, बीकानेर भी बीजेपी की जो पक्ष में है वो बताया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या लगता है फलोदी जो सट्टा मार्केट है, सट्टा भाव है, वो बीकानेर में तो बीजेपी को जिता रहा है? हम सट्टा बाजार से इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो जनता के विश्वास से विश्वास रखते हैं। जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, न केवल बीकानेर जीता रहा है बल्कि 24+1 हम जीत रहे हैं राजस्थान से। 24+ से जीत रहे हैं, कुछ और लोग भी है, शिक्षाविद हैं, इनसे जानेंगे। सर क्या लगता है, क्या मारपीट अब जो एग्जिट पोल है वो क्या कहते हैं, जिस तरह से अब जो बन रहा है समीकरण चुनाव के बाद, तो क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जो जनादेश है वो निश्चित रूप से 23 तारीख को सामने आ जाएगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कुछ न कुछ अविश्वसनीय लग रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो ट्रेंड दिख रहे थे उसमें इतना ट्रेंड नहीं लग रहा है जो मीडिया पिछले 2 दिन से दिखा रहा है, तो आने वाले समय में जो जनता का जनादेश होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जनता का जनादेश सामने आ जाएगा, कुछ और लोग भी है जी, आप क्या है वो कहेंगे? जिस तरह से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, करीब 22 सीटें हैं वो बताई जा रही है राजस्थान में। राजस्थान में 22 भाजपा के पक्ष में और एक जो RLD NDA के, 25 की 25 NDA के पक्ष में आ रही है। एग्जिट पोल निश्चित रूप से सही है और एग्जिट पोल का रिकॉर्ड रहा हमेशा प्लस में ही गया है, तो अगर वो 270 बता रहे हैं, 280 बीजेपी को बता रहे हैं, तो उससे ज़्यादा होने वाली, 306 अगर बताए तो उससे ज़्यादा जाएगी। जो लोगों ने मोदी जी की कार्यशैली में, मोदी जी के जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, सीमाओं की जो सुरक्षा है, उसमें विश्वास जताया है, लोगों ने इस प्रधानमंत्री के सेवक के रूप में लिया है और प्रधानमंत्री के प्रति अपना विश्वास जताते हुए उनको जो है आज पुनः कमान सौंपने का फैसला किया है। PM की जो योजनाओं पर विश्वास है, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानेंगे जी, आप क्या कहेंगे? मेरे कुलीग ने PM की योजनाओं की बात की, यह एक हंसी के लायक विषय है। PM की कौन सी योजना है जिससे लोगों को राहत मिली है? अब क्या लगता है, सट्टा मार्केट तो करीब 22 सीटें हैं वो दे रहा है बीजेपी को? सट्टा मार्केट से तो हमारी समझ भी नहीं है ना, हमारा कोई इत्तेफाक है, लेकिन जो लोकतंत्र है उसके अंदर कांग्रेस का जो माहौल है वो जनता ने मजबूत किया है और जनता की आवाज़ हमेशा कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है पिछले चुनावों से लगातार। तो मेरा अनुमान है कि कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर बीट करेगी और लगभग 22 से 24 सीटों के बीच में हमारी सीटें आएगी कांग्रेस की। एग्जिट पोल तो आपके विपरीत जो आप कह रहे हैं उससे विपरीत आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, साइनिंग इंडिया को अपन क्यों बोल रहे हैं, जब वाजपेयी की गवर्नमेंट को लोगों ने इसी सट्टा बाजार ने एकदम स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ में बुलाना चाह रहा था। अभी हमारे लोकल की बात करें तो देवी सिंह भाटी और रामेश्वर डूडी सरी के बड़े नेता इसी सट्टा बाजार की भेंट चढ़ गए। तो सट्टा बाजार का हालांकि मुझे समझ नहीं है, लेकिन इस पर हम कोई इतफाक नहीं रखते हैं और ना ही एग्जिट पोल की इन बातों पर हम भरोसा करते हैं। आप क्या कहेंगे बीकानेर को लेकर, क्या कहेंगे? जिस महसूस कर रही थी आम जनता की राय, वोटिंग अब हो चुकी है, बाकी मतपेटियों में बंद है, तो आप क्या? बीकानेर में जो हमारे सांसद थे वो इतने एक्टिव थे, वो हर किसी के कार्यक्रम में जाते थे और उसको देखते हुए जनता ने उनको वोट दिया और भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी, एग्जिट पोल का जो सटीक निर्णय है वो सही निर्णय रहेगा। अच्छा संजय, इनसे जरा पूछिए जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की 22 से 24 सीटें यहां पर आ सकती हैं, दरअसल उनके मंत्री भी नहीं मान रहे हैं, मंत्री भी मान रहे हैं कि 15 से 17 सीटें आएंगी। और दूसरा ये कि जब विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वे हुआ था और कांग्रेस के पक्ष में आया था, तो इन्हीं सर्वों की जानकारी वो बाकियों को दे रहे थे कि इस सर्वे में ये आया, यानी उनके खिलाफ आएगा तो मानेंगे नहीं, पक्ष में आएगा तो कहेंगे कि सटीक है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी इनसे ले लेते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हो कि 22 से 24 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की आ रही है, लेकिन ये तो कांग्रेस के मंत्री भी ये नहीं मान रहे कि 22 से 24 सीटें हैं वो आएगी, विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था पहले। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ मंत्रियों ने हो सकता है इस तरीके के बयान दिए हों, क्योंकि जब चारों तरफ से पैसे के दम पर सारी मीडिया से यही कहलाया जाए बार बार एक झूठ को, तो हजार बार ऐसा लगता है कि शायद तो ये डर मेरे अंदर भी ऐसा डर है, पर हमारी जो मेहनत है वो 22 से 25 सीटें लाने के लिए मेरे हिसाब से सफिशियंट है, और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो हम पुरजोर कोशिश फिर करेंगे और फिर लगेंगे। पुरजोर कोशिश है वो करेंगे। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर जिस तरह से इन्होंने कहा कि 22 से 24 सीटें हैं वो कांग्रेस की आ रही है, तो आप
देखिए दोनों दल अपनी अपनी बातें करते हैं और निश्चित रूप से उनका अपना एक मत होता है और उन्होंने जनता के बीच में अपनी बात को रखा था, उनका अपना एक अटल विश्वास होता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। मेरा तो यही मत है कि जनता जीतेगी, जनता का जनादेश जीतेगा, जनता का जनादेश जीतेगा। जिस तरह से इस बार चुनाव में राष्ट्रवाद की बातें हुई लगातार और अब जो सट्टा बाजार है चाहे वो भी 22 से 24 सीटें हैं वो बीजेपी को दे रहा है, तो क्या राष्ट्रवाद और जातिवाद ये मुद्दे हावी रहे, उन्हीं के चलते ये एग्जिट पोल है वो आ रहे हैं? राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई, पिछले 5 सालों में राष्ट्रवाद पर काम हुआ है, उसी से जनता प्रभावित होकर वोट दे रही है। मोदी जी एक साधारण परिवार से निकले हुए, किसी वंशवाद में नहीं है और इन्होंने इतना बड़ा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है। और हमारे साथी जो कह रहे हैं कि मीडिया भी बिकी, अगर ऐसे लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी अगर विश्वास नहीं करते, मीडिया को भी बिकाऊ कह रहे हैं, तो इनका असर तो यही होना है, ये बौखलाहट है इनकी। 22 सीटों बौखलाहट है जी। आप किस तरह से क्या देखते हैं अब एग्जिट पोल को लेकर? जिस तरह से एग्जिट पोल निश्चित रूप से सही जगह पर, एग्जिट पोल के हवा में थोड़ी होता है, कई तरह की एजेंसियां जमीन पे काम करती है। कांग्रेस की तरह कल मौखिक बात नहीं करना होता, ये जो मेरे साथी कह रहे थे कि उनको विश्वास नहीं है लेकिन है, मतलब उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं और अपनी बात को दृढ़ता से किए जा रहे। केवल एक बात रखनी थी कि मुझे 22 सीटें आनी चाहिए कांग्रेस की, उनका पक्ष कांग्रेस के प्रति हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिया है ये अपने दर्शकों